नमस्कार दोस्तों, वेद संसार के वीडियो चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। खुशियां और आपका जन्म जन्म का साथ हो, हर किसी की जुबान पर आपकी हंसी की बात हो। जीवन में कभी कोई मुसीबत आए भी तो आपके सिर पर गुरु नानक जी का हाथ हो। दोस्तों, गुरु नानक जयंती सिखों का सबसे पवित्र उत्सव माना जाता है। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। यूं तो गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, लेकिन उनका जन्मदिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने में यानी कि पूर्णिमा दिवस को मनाया जाता है। इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं गुरु नानक जयंती कहाँ मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती का यह महान पर्व खासकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पूरे 3 दिन तक बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बात अगर सिख तीर्थयात्रियों की करें तो विशेष रूप से ननकाना साहिब और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह त्यौहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में जैसे कि यूके, कनाडा और अमेरिका सहित अन्य देशों में भी बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं गुरु नानक जयंती का महत्व क्या है। गुरु नानक देव जो एक महान दृष्टा और संत थे, उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए अनेक यात्राएं की थी। उन्होंने दुनिया को आध्यात्मिकता, नैतिकता, मानवता, भक्ति और सच्चाई की गहन शिक्षाएं प्रदान की, इसलिए इस खास दिन को प्रकाश उत्सव भी कहकर लोग बुलाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं गुरु नानक जयंती की परंपरा और रीति रिवाज के बारे में। क्या आप जानते हैं कि पूरे उत्तर भारत में गुरु नानक जयंती का पर्व 3 दिनों तक बड़े ही स्तर पर मनाया जाता है। आज वेद संसार आपको गुरु नानक जयंती के ये खास 3 दिन के बारे में विस्तार से बताने जा रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। पहला दिन अखंड पाठ। गुरु नानक जयंती के पहले दिन सभी गुरुद्वारों को फूलों और रोशनी से सजा लिया जाता है और न केवल गुरुद्वारों में बल्कि घरों में भी 48 घंटों तक पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ बिना रुके किया जाता है। दूसरे दिन प्रभात फेरी। वहीं गुरु नानक जयंती की शुरुआत स्तुति करते हुए एक धार्मिक जुलूस शब्द और कीर्तन के रूप में सुबह जल्दी निकाला जाता है और यह आसपास की गलियों से गुजरता हुआ पास के गुरुद्वारा में समापन होता है, जहां दिन के दौरान नगर कीर्तन नामक एक विशाल जुलूस शहर की मुख्य सड़कों पर निकाली जाती है, जो रंगीन बैनर और फूलों से सजा होता है। वहीं दूसरी ओर जुलूस के 5 सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा नेतृत्व भी किया जाता है, जिन्हें पंच प्यारे कहा जाता है। जयंती के दूसरे दिन भक्त अपने साथ सिख झंडा लिए हुए रहते हैं, जिसे निशान साहिब कहते हैं, और पवित्र भजन जपते हुए गुरु ग्रंथ साहिब को सजाते हुए एक पालकी के साथ झुंड में चलते हैं। यही नहीं, कुछ सिख जो पारंपरिक सिख होते हैं, वो हथियारों के साथ पारंपरिक कपड़ों में नकली लड़ाई का प्रदर्शन भी करते हैं। तीसरा दिन गुरु नानक जयंती। सबसे खास दिन होता है तीसरा दिन, क्योंकि इसी दिन होती है गुरु नानक जयंती। बता दें कि गुरु नानक जयंती का वास्तविक दिन सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होता है, जिसमें कविताओं, भजन और उद्धरण के गायन होते हैं, जो गुरु नानक की अनुकरणीय जीवन को कायम करते हैं। इसके बाद ग्रंथ साहिब से व्याख्यान और कीर्तनों के साथ कथा की जाती है और कढ़ा प्रसाद वहाँ मौजूद सभी लोगों को वितरित किया जाता है। पूजा पाठ हो जाने के बाद लंगर परोसा जाता है और फर्श पर बैठे हुए लोग साधारण भोजन ही ग्रहण करते हैं। गुरु नानक के सच्चे भक्त खाना पकाने, परोसने और प्लेटों को साफ करने में मदद करते हैं, इसे सेवा कहा जाता है। वहीं सूर्यास्त के बाद प्रार्थना का पाठ किया जाता है, जो देर रात तक चलती है। रात को गुरु नानक देव जी के जन्म के स्वागत के लिए भक्त गुरबानी गाते हैं। उधर जन्मदिन के जश्न के रूप में पटाखे भी जलाए जाते हैं। सच्ची श्रद्धा और भाव के साथ गुरु नानक जयंती का समारोह मध्यरात्रि 2 बजे तक चलता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गुरु नानक देव जयंती के बारे में। दोस्तों, वेद संसार की पूरी टीम की ओर से आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।